नहीं, अभी तो बहुत कुछ करेंगे। अभी तो इब्तिदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। नहीं देखिए, अब जांच चल रही है और उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 1500 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। किसानों की जमीन को पहले नोटिफाई कर दिया अधिग्रहण करने के लिए, फिर प्रॉपर्टी डीलर्स ने किसानों को डरा धमका कर उनसे सस्ते दामों पर जमीन खरीद ली, बाद में उस जमीन को रिलीज कर दिया गया। तो जो कुछ हुआ है वो सरकार से मिलीभगत के साथ ही हुआ है।